गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, वी आर इन इंग्लिश क्लास एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। वी हैड सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम A1 एंड A2 इन प्रीवियस क्लास फ्रॉम लेसन नंबर 1। टुडे आई विल डू सॉल्व सेक्शन B वोकैबुलरी फ्रॉम लेसन 1। हियर आर सम एग्जांपल। फर्स्ट लुक एट द पेयर्ड वर्ड्स बिलो। क्रैंकी, इरिटेटेड, श्रीक, स्क्रीच। द पेयर्ड वर्ड्स हैव सिमिलर मीनिंग। क्रैंकी और श्रिंक बोथ हैव सिमिलर मीनिंग। क्रैंकी एंड इरिटेटेड मीन अनाइड। श्रीक एंड स्क्रीच मीन स्क्रीम। श्रीक और स्क्रीच both have same meaning, or cranky, irritated, both have same meaning. Words that have similar meanings are synonyms of each other. Synonyms can be used when a word has to be repeated several times in the same text. Synonyms help us avoid repetition and make our writing more readable. Today I will learn about the synonyms. Synonyms, what is synonyms? Synonyms is that which have the same meaning of many word. Means एक मीनिंग के लिए बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं वो एक दूसरे का सिनोनिम होता है। तो हम लोग आज सेक्शन बी में वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, ये सिनोनिम्स के बारे में है, एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में समानार्थक कहते हैं और उर्दू में मुतरादिफात कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। देखिए B1 में है, द टेबल बिलो शोज सम वर्ड्स फ्रॉम द लेसन इन द फर्स्ट कॉलम। देयर मीनिंग आर गिवेन इन द सेकेंड कॉलम। चूज 4 करेक्ट सिनोनिम्स फॉर ईच वर्ड फ्रॉम द थर्ड कॉलम। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि यहाँ टेबल दिया गया हुआ आपको, ये वर्ड जो है आपके लेसन से लिया गया है, इसका जो मीनिंग होगा वो आपको सेकेंड कॉलम में दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम में वर्ड्स है, सेकेंड कॉलम में मीनिंग है और थर्ड कॉलम में इसके और डिफरेंट वर्ड है जिसका सेम मीनिंग होता है। जैसे देखिए स्टबॉर्न का क्या होगा, स्टबॉर्न का मीनिंग होगा रिफ्यूजिंग टू चेंज ओपिनियन। इसका सेम मीनिंग सिनोनिम्स क्या होगा, सेम वर्ड क्या होगा, डिटरमाइंड, स्ट्रॉन्ग विल्ड, अनशेकेबल एंड परसिस्टेंट। तो स्टबर्न का सिनोनिम क्या है, डिटरमाइंड, स्ट्रॉन्ग विल्ड, अनशेकेबल, परसिस्टेंट। उसके बाद एक्सटेटिक वर्ड, दूसरा वर्ड है एक्सटेटिक का मीनिंग होगा एक्सट्रीमली हैप्पी। एक्सटेटिक का मीनिंग क्या होगा, एक्सट्रीमली हैप्पी। इसका सिनोनिम्स होगा ब्लिसफुल, ऑन क्लाउड 9, टिकल और यूफोरिक। क्या होगा एक्सटेटिक का, एक्सटेटिक का सिनोनिम ब्लिसफुल, ऑन क्लाउड 9, टिकल्ड एंड यूफोरिक। उसके बाद थर्ड वर्ड है इमिटेट। इमिटेट का मीनिंग होता है कॉपी। इसका सिनोनिम होगा एप, डुप्लीकेट, इको, मिमिक। इमिटेट का सिनोनिम क्या होगा, एप, डुप्लीकेट, इको, मिमिक। उसके बाद वर्ड है टेरिफाइड। टेरिफाइड का मीनिंग होगा वेरी अफ्रेड। इसका सिनोनिम क्या होगा, पैनिक स्ट्रिकन, स्पूक्ड,
लाइट हेडेड और टर्न इंटू स्टोन। टेरिफाइड का सिनोनिम क्या होगा? स्ट्रिकन, स्पूक्ड, लाइट हेडेड, टर्न इंटू स्टोन। उसके बाद बी टू है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ वाक टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वन है, आई कैन नॉट स्लीप, लेट्स गो टू द बीच एंड टेक ए। यहाँ ऑप्शन है आपको स्ट्रॉल, पेस, वंडर, मीएंडर। तो क्या होगा? स्ट्रॉल। ये आपका क्या कह रहा है कि वॉक, वॉक का सिनोनिम, वॉक का सिनोनिम आपको चुनना है, मतलब सेम मीनिंग रखने वाला वर्ड। तो क्या होगा? वॉक का सेम मीनिंग रखने वाला वर्ड है स्ट्रॉल। उसके बाद टू है, डोंट वेस्ट टाइम, स्टॉप। डोंट वेस्ट टाइम, स्टॉप, ब्लैंक्स। इसमें ऑप्शन आपके लिए है ए स्ट्रॉलिंग, पेसिंग, वंडरिंग, मींडरिंग। तो आपका सही आंसर होगा वंडरिंग। इसमें फिर लिया होगा वंडरिंग। उसके बाद थ्री है, विल यू स्टॉप ब्लैंक्स अप एंड डाउन द फ्लोर, यू आर मेकिंग मी डिजी। ऑप्शन है आपको स्ट्रॉलिंग, पेसिंग, वंडरिंग, मींडरिंग। इसमें आपका सही होगा पेसिंग। इसमें आप बी को टिक करेंगे। उसके बाद फोर है, वी स्टिल हैव टाइम बिफोर द अपॉइंटमेंट, लेट्स ब्लैंक्स ए लिटल। ऑप्शन है स्ट्रॉल, पेस, वंडर, मियंडर। तो इसमें आपका क्या होगा? मियंडर। तो आप इसमें फिल करेंगे मियंडर। तो ये आपका B1 है, ये बी सेक्शन का था जो वोकेबुलरी था, इसको आज हम लोगों ने बनाया B1 और B2 को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रामर को देखेंगे। आज के लिए ही इतना इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।